Hi guys, I'm not making this video as an actor or as a celebrity. I'm making this video as a normal viewer, a normal person. मैं बस ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब आपके घर पे किसी की डेथ होती है, आप किसी अपने को खोते हैं, तो क्या आपको उस सिचुएशन का मजाक बनाना पसंद आता है? क्या आपको अच्छा लगता है लोग आपसे आके बार बार पूछें आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे आपके लॉस के बारे में, या फिर आप अपनों के साथ वो वक्त अकेले बिताना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया में हमेशा यही बोला जाता है और यही कहा जाता है कि हम तो वही दिखाते हैं जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। तो क्या आप अपने घर वालों की पिक्चर्स, अगर उनकी डेथ होती है तो हर जगह सर्कुलेट करेंगे कि वो किस तरह उनकी डेथ हुई, उनकी बॉडी पे कहाँ निशान थे क्या नहीं थे? मैं ये चाहती हूँ कि एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज को मजाक बनाने की, और एक लिमिट होनी चाहिए किसी को तकलीफ देने की। उनकी फैमिली वालों को कैसा लग रहा होगा जिस तरह से उनकी जो पिक्चर्स हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, हर तरफ डाली जा रही हैं, हर तरफ दिखाई जा रही हैं, एक मजाक बनाया जा रहा है लिटरली इस चीज का, कैसा लग रहा होगा उन लोगों को? सो थिंक अबाउट इट एंड यू नो डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच एंड जस्ट आई फील वेरी सैड एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ नॉर्मल व्यूअर। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के, एंड I think this is the time where we all should speak and not keep quiet. That's all I wanted to say.